सांगानेर थाना पुलिस ने प्रेम कॉलोनी में युवक की हत्या के मामले का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने आरोपी राजकुमार उर्फ मोटा को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक 29 जनवरी को गिरफ्तार आरोपी ने मृतक सागर कुमार चंदेल की हत्या कर दी थी। यह हत्या अप्राकृतिक मैथुन के दौरान विरोध करने पर सागर कुमार चंदेल ने की थी। हत्या करने के बाद आरोपी राजकुमार ने सागर के शव को ऑटो में रखकर एक प्रेम कॉलोनी स्थित खाली भूखंड में फेंक दिया और मौके से फरार हो गया। इसके बाद मृतक सागर के भाई राजेश कुमार ने मामला दर्ज कराया, जिस पर पुलिस ने जांच पड़ताल कर सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसमें आरोपी राजकुमार ऑटो चलाता हुआ नजर आया। ऑटो से हुई पहचान और हुलिये के आधार पर पुलिस ने आरोपी राजकुमार को दबोच लिया, जो सवाई माधोपुर का रहने वाला है। पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी ने कई युवतियों का यौन शोषण करते हुए अपना शिकार बनाया। हालांकि इसको लेकर पुलिस आरोपी से पूछताछ भी कर रही है। ये मर्डर का मुकदमा जो है, ये हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि एक डेड बॉडी एक खाली मैदान में जो है प्रेम कॉलोनी में कोई गिराकर चला गया, तो उसके बाद उसके परिजनों की जांच की गई तो उसके परिजन ने जो है उसके भाई ने कंप्लेंट दी कि उसकी हत्या हुई है। जांच करने पे पाया गया कि जो है उसकी बॉडी कहीं और से लाकर वहाँ पर गिराई गई थी। उसकी जो सीसीटीवी फुटेज मिली उसमें एक ऑटो जो है उसका खुलासा हुआ और उसका ऑटो का मुखबिरी के हिसाब से पीछा करते हुए हम लोग जो है अपराधी तक पहुंचे। जो डिसीज्ड है उसको लेकर गया था और उसके साथ जो है उसने रात्रि में शराब पी और शराब पीने के बाद जो है उसके साथ प्राकृतिक रूप से सेक्स करने की कोशिश की, जिसका विरोध होने पर अपराधी ने मृतक के साथ में मारपीट की और मारपीट की वजह से जो है वो